भाई बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम है परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की खूबियां। हम देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, करुणा से भरा हुआ है, प्रार्थना का सुनने वाला है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो हर जगह पाया जाता है और उसकी जो शक्ति है, जो उसकी क्षमता है, वो असीमित है। सनातन काल तक रहने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है कि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, तो निश्चय हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए और अधिक प्रेम पैदा हो जाता है और अधिक समर्पण पैदा हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और फिर हम संसार में जब समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हम विचलित नहीं होते, हम दुखी नहीं होते, हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इस समय जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो गुण आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, हम सब पापी हैं, वचन में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि पापियों को धर्मी ठहराता है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। बाइबल में
एक कहानी पाई जाती है, एक घटना पाई जाती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को एक व्यक्ति था, उसका नाम शमौन था, ये कभी कोढ़ी था। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके कोढ़ से उसे आज़ाद कर दिया। आज वो अपने घर में और अपने लोगों के साथ समय बिता सकता था, उनके साथ रह सकता था। अपने कोढ़ से आज़ाद होने की खुशी में लोगों को गवाही देने के लिए उसने एक बड़े भोज का आयोजन किया और उस भोज में प्रभु यीशु मसीह और उसके परिवार के जो लोग थे, जो उसका परिवार था, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो सब आमंत्रित किए गए और प्रभु वहाँ पर पहुँचा। उस भोज में लाजर भी शामिल था क्योंकि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। और ऐसे में जब ये भोज चल रहा है, सारे लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं, लाजर की बहन मरियम जो है जटामासी का शुद्ध यत्र लेकर आती है और उस बर्तन को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो उंडेल देती है, उसके पाँव को वो बालों से पोछती है, रोती है और विलाप करती है। मेरे प्रियो, इत्र की जो खुशबू है वो उस पूरे घर में फैल जाती है। हालांकि मरियम तो नहीं चाहती है कि इस काम के बारे में कोई जाने कि उसने अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट किया है। और यहाँ पर ये जो शमौन नाम का जो व्यक्ति है वो अपने मन में सवाल करने लगता है कि अगर ये व्यक्ति नबी होता तो ये जान जाता ये जो स्त्री इसे छू रही है वो कैसी है, क्योंकि ये तो पापन स्त्री है। मेरे प्रियो, प्रभु ने शमौन से कहा, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। और यीशु मसीह ने उसे कहा, जब शमौन ने कहा हाँ प्रभु कह, क्या कहना चाहता है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, प्रभु ने कहा कि एक महाजन था, उसके दो कर्जदार थे, एक 500 रुपये का और एक 50,000 रुपये का कर्जदार था। महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया, कौन उसे ज़्यादा प्यार करेगा बता। तो शमौन ने कहा प्रभु मैं सोचता हूँ जिसका ज़्यादा माफ़ किया गया, जिसका 50,000 माफ़ किया गया वो ज़्यादा प्रेम करेगा। प्रभु ने कहा ये बिल्कुल सही बात है, तूने सही जवाब दिया। और यहाँ पर देख, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे चुम्मा देकर तूने मेरा वेलकम नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, लेकिन इस स्त्री को देख, इसने जब से मैं तेरे घर में आया हूँ मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा है, इसने मेरे पाँव पर इत्र उंडेला है, क्योंकि इसके जो बहुत पाप हैं वो क्षमा किए गए हैं, तेरा कम क्षमा किया गया इसलिए तूने कम प्रेम दिखाया, तूने सही उत्तर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को देखें जो उसने मरियम के साथ किया, कि मरियम के जो बहुत पाप थे वो सारे के सारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, उस पर अनुग्रह किया, उसे धर्मी ठहरा दिया और अपने चेलों से कहा उस को परेशान मत करो, क्योंकि चेले कह रहे थे इस यत्र को क्यों बर्बाद किया गया, इसे तो 300 दीनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। प्रभु ने कहा कंगाल तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूँगा, तुम कंगालों की सेवा कभी भी कर सकते हो लेकिन मैं जाने वाला हूँ, और इसने इस स्त्री ने मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी की है और इत्र को मेरे ऊपर उंडेला है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को धर्मी ठहराते हैं जो सबकी नज़र में पापन है, वो चेलों की नज़र में भी पापन है और वो शमौन की नज़र में भी एक पापी स्त्री है, लेकिन प्रभु की नज़र में वो पापी नहीं है क्योंकि उसने आंसुओं को बहा बहा कर रो रो कर प्रभु के पाँव को पोछा है और चूमा है, क्योंकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को धर्मी ठहराता है, धर्मी ठहराने में सक्षम है जो अपने पापों से मन फिराते हैं, जो पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु उन्हें धर्मी ठहराता है। अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और आप हर दिन एक
परमेश्वर के भय में जीने वाला जीवन बिता रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है, आप धर्मी बन गए हैं, आप उसकी संतान बन गए। आइए मेरे साथ परमेश्वर के बारे में कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ें, और हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक निकालें, उसका 45 अध्याय और 21 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह 45 अध्याय और 21 पद लिखा है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही एकमात्र धर्मी और उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। धर्मी का मतलब है ईमानदार, जिसमें कोई खोट, कोई बुराई, कोई कमी ना हो। मेरे प्रियो, धर्मी परमेश्वर ही आपको धर्मी बना सकता है। जो खुद धर्मी नहीं है, जिसने खुद पाप किए हैं, वो दूसरों के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। संसार में बहुत से लोग हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं और उनसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। केवल वो व्यक्ति आपके पापों को क्षमा कर सकता है जिसके विरोध में आपने पाप किया है। अगर आपने किसी को गाली दी है और आप जाकर उससे क्षमा मांगे, तो व्यक्ति क्षमा कर सकता है। लेकिन आपने गाली मोहन को दी है और सोहन से जाकर आप माफ़ी मांगे, तो सोहन माफ़ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जिसके विरोध में हमने पाप किया है, फिर परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की संतान के विरोध में पाप किया है, और परमेश्वर के लोगों के विरोध में किया गया पाप परमेश्वर के विरोध में किया गया पाप कहलाता है। तो हम जब अपने पापों से क्षमा मांग लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, क्योंकि वो धर्मी है और वो उद्धार करता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, उन्हें वो धर्मी ठहराता है। मेरे साथ आप सपन्या की पुस्तक में चलें और उसका 3 अध्याय का 5 पद जो है वो हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा, वो अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है और चूकता नहीं। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो कभी कुटिलता नहीं करता, सच्चा सच्चा न्याय करता है, जो अपने दिल में सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करता है, अपने पापों से फिरता है, परमेश्वर उसको माफ़ करता है, उसके साथ कोई कुटिलता वो नहीं दिखाता, उसके सारे पापों को वो क्षमा कर देता है। इसका मतलब यह है परमेश्वर उसके सारे पापों को भुला देता है, मिटा देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे और नरक में पाए जाएंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें क्षमा करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, वो धर्मी परमेश्वर के पास नहीं आए। जब हम ये मान लेते हैं कि हम पापी हैं, तब हम परमेश्वर को धर्मी ठहराते हैं, हम परमेश्वर को सच्चा ठहराते हैं। और यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, तो हम किसे झूठा ठहराते हैं? हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। आदम और हवा ने अपनी गलती को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर को झूठा ठहराया, और इसलिए परमेश्वर उनके पापों को क्षमा ना कर सका, और उनको एक समय दिया गया, अनुग्रह का समय दिया गया, कि इसमें वो अपने पापों से पश्चाताप करके, अपनी गलतियों का एहसास करके वो बचाए जा सकें। सपन्या कहता है कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा, अगर हम उसे धर्मी ठहराएं, अपने पापों को मानकर, अपनी गलतियों को मानकर, जब हम
उसके पास आते हैं तो परमेश्वर को हम धर्मी ठहराते हैं, और परमेश्वर जो है वो हमें धर्मी ठहराता है हमारे पापों को क्षमा करके। हम अपने पापों को मानकर उसे धर्मी ठहराते हैं और वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें धर्मी ठहराता है। कितना अच्छा विचार है। प्रभु इस संदेश से, इस विचार से आपको आशीष दे, जबकि आप ये सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप रोमियो की पुस्तक में चलें, हम 8 अध्याय का 1 पद पढ़ना चाहेंगे। रोमियो 8 अध्याय 1 पद लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वचन कह रहा है कि जो मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु में कौन है? जिन्होंने अपने पापों को मान लिया, जिन्होंने ये मान लिया कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहरा दिया, अब वो मसीह यीशु में रहते हैं, अर्थात वही काम करते हैं जो मसीह यीशु चाहता है वो करें, एक पवित्र जीवन बिताते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। इसलिए लिखा वचन में अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अर्थात वो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जो अपने पापों को मान लेते हैं परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहरा देता, और वचन कहता है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु आप में हैं तो आप धर्मी हैं, और यदि आप मसीह यीशु में नहीं हैं और मसीह यीशु आप में नहीं है तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात का आश्वासन आपके लिए है कि वो आपको धर्मी ठहराएगा अगर आप अपने मन को फिराकर उसे धर्मी ठहराएंगे। तो मेरे साथ आप बाइबल में चलें, यशायाह 53 अध्याय में हम जाएंगे और उसका 11 पद हम पढ़ना चाहेंगे। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी है। यशायाह 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का वर्णन है, भविष्यवाणी है वो कैसे कैसे बलिदान होगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा, और वचन कहता है कि अपने ज्ञान के कारण मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके पापों का बोझ स्वयं उठा लेगा। जी हाँ, आप ऐसे ही धर्मी नहीं हो जाते, बल्कि जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का आप मानते हैं, तब परमेश्वर आपके पापों का बोझ अपने पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो लाद देता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों का बोझ उठाकर सलीब पर चढ़ जाता है और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके पापों का दंड किसको देता है? अपने पुत्र को देता है। उसके प्रेम को देखिए, वचन कहता है कि मेरा धर्मी दास बहुतों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। जी हाँ, बहुतों के, उनके जो उसे धर्मी मानेंगे, जो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, लेकिन जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर का पुत्र उनके पापों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठा सकता। इस बात को याद रखें, पश्चाताप में ही वो जादू है जो हमें परमेश्वर की संतान बना देता है। पश्चाताप अगर सच्चा है तो परमेश्वर हमें सच्चा धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है। मेरे साथ आप भजन संहिता की पुस्तक खोलें और 32 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दाऊद उस व्यक्ति को धन्य कहता है जिसका अपराध क्षमा किया जाता है, जिसका पाप ढांप दिया जाता है। जी हाँ, जिसके मन में कपट नहीं रहता है, जो निष्कपट होकर पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है, उसके पापों को वो मिटा देता है, दूर कर देता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, राजा दाऊद की भजन संहिता 103 अध्याय में कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे पापों को उसने क्या किया? क्षमा किया है। दाऊद कहता है कि
धन्य है वो व्यक्ति जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। अगर आप अपने पापों को आज मान लेंगे तो न्याय के दिन उनका लेखा आपको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते तो वो आपके पाप आपके रिकॉर्ड में आपके नाम के सामने बने रहेंगे और न्याय के दिन आपसे उसका लेखा लिया जाएगा। आपको अपने एक एक काम का वहाँ पर लेखा देना पड़ेगा और जो काम आपने गलत किए हैं और पश्चाताप नहीं किया है उनके कारण आपको नरक की जो आग है उसमें डाला जा सकता है। आज बचने के लिए सौभाग्य है क्योंकि आपका परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपका परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है और वो हमें और आपको बचाना चाहता है। आइए हम उसके साथ अपने संबंध को ठीक कर लें, अपने पापों से पश्चाताप करके उससे मेल मिलाप कर लें। वो हमें धर्मी ठहराएगा और उसके बाद फिर हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब हम धर्मी हैं तो जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ हम बादलों पर उठाए जाएंगे और स्वर्गीय नगर में प्रवेश करेंगे और हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के पास रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि हमने अपने पापों का हिसाब किताब जो है सही कर लिया है अर्थात पश्चाताप कर लिया है, क्योंकि दाऊद कहता है वो धन्य है जिसके पापों का यहोवा लेखा ना ले, और जिन्होंने पश्चाताप किया है उनके पापों का कोई लेखा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो पाप जो हैं यीशु मसीह के ऊपर चले गए। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और लहू बहाकर उसने सबके पापों को जो है वो क्षमा कर दिया है जिन्होंने पश्चाताप कर लिया है। मेरे साथ आप उत्पत्ति 15 अध्याय में चलें, उसका 5 और 6 पद हम पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 5 और 6 पद लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पर हम अब्राहम का वर्णन पाते हैं। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। एक दिन जबकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके टेंट से तंबू से बाहर निकाला और कहा, आकाश की ओर देख, इन तारों को तो गिन सकता है, तेरा वंश इतना ही बड़ा होगा। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने ये उसके लेखे में धर्म गिना। जी हाँ, जो धार्मिकता है, जो धर्मी ठहरना है, ये विश्वास से कार्य करता है। जब आप अपने पापों को मानते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। विश्वास के बिना कोई जन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जो विश्वास है आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु जो आपने कहा है वो ठीक है, तभी वो आपको फायदा पहुँचाएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी जन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर रोमियो 8 अध्याय उसके 33 पद में हम चलें तो हम वहाँ पर एक बहुत ही उत्तम बात को पाते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसका 33 पद वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जब धर्मी ठहराएगा तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दोष नहीं लगा पाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको गिराने नहीं पाएगा, नरक में कोई भी शक्ति आपको लेकर नहीं जाने पाएगी। मेरे प्रियो, योना की पहली पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सारे पापों को वो क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या आप आज इस समय जबकि परमेश्वर आपका आवाहन करता है अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? क्या आज आप अपनी कोठरी में जाएंगे और अपने घुटनों पर झुकेंगे, कमरे को बंद करेंगे और रो रो कर अपने एक एक पाप से पश्चाताप करेंगे?
यदि हाँ, तो आज ही परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा और अपनी संतान आपको बना लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर से धर्मी ठहरना चाहते हैं तो मेरे साथ अपने सर को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए दिया है। आप इनसे प्रेम करते हैं जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। प्रभु, आप इन्हें धर्मी ठहराएं, इनके पापों को मिटा दें, इन्हें शांति और तसल्ली दें, अपने बेटे और बेटियां बनाकर प्रभु इनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखें और स्वर्गीय राज्य के सुरक्षित करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घरों में, इनके जीवनों में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी देखभाल हो। और जब मसीह यीशु आपका बेटा इन लोगों को लेने के लिए आए, अपने सब लोगों को लेने के लिए आए, तो ये सब भी उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। धन्यवाद के साथ इस अनुग्रह को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ संदेश से आप आशीषित हुए हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपको साहित्य भेजें, हमसे संपर्क करें, हमारा पता दिया गया है, आपकी सेवा करके हमें आनंद होगा। धन्यवाद, प्रभु आशीष दें।